Get your fucking hands up. गाइज मैं हूं जेके और एक बार फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की वीडियो होगी एक मिनी गीजर। जी हां दोस्तों, हम मनाएंगे दुनिया का सबसे सस्ता मिनी गीजर और वो भी एक नॉर्मल ब्लेड से। मेरे हाथ में एक नॉर्मल ब्लेड जो कि शेविंग के काम आती है और एक लगभग 1.5 से 2 मीटर लंबा एक वायर, एक कांच का गिलास है। हम किसी भी मेटल का गिलास इसमें काम में नहीं ले सकते और कुछ माचिस की तिल्लियाँ। इस गीजर को बनाने के लिए सबसे पहले हमने छील लिया है इस तार को दोनों तरफ से, इस तरफ से भी हमने इसको छील कर सीधा कर लिया है। अब हम कनेक्ट करते हैं ये ब्लेड इसके साथ और इसको थोड़ा कस देंगे इसके साथ। और इसी तरह दोस्तों ये दूसरी ब्लेड ये भी इस तार के साथ कनेक्ट कर देनी है। ये दोनों ब्लेड कनेक्ट हो चुकी हैं इस तार के साथ। अब इनको हम फिक्स करेंगे माचिस की कुछ तिल्लियों से, क्योंकि माचिस की तिल्ली दोस्तों इनको दूर दूर रखेंगी ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। दोस्तों हमने लगा लिया है माचिस की तिल्लियों को इन ब्लेडों पर कुछ इस तरह से ताकि दोनों ब्लेड आपस में टच ना करें और कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। अब मैं इसको काम में लूँगा इस गिलास के पानी को गर्म करने के लिए। तो इसके लिए इस गिलास में मैं डालता हूँ थोड़ा सा पानी, लगभग इतना, और इन ब्लेड्स को डुबो दूँगा मैं इस पानी में। और लाइट के लिए हमने काम में लिया है ये एक सर्किट बोर्ड जिसमें इस तार को कनेक्ट करना है। तो दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट बड़ा ही खतरनाक है, इससे आपको बिजली का झटका लग सकता है, तो आप ऐसा घर पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें, और करें तो बहुत ही सावधानी से करें। तो देखिए हम सबसे पहले इन ब्लेडों को डाल देते हैं इस गिलास के अंदर और इसके जो दोनों सिरे हैं वो मैं लगाऊंगा इस बोर्ड में। पहले इसका स्विच बंद कर देता हूं और फिर इनको लगा देते हैं हम इस बोर्ड में। तो दोस्तों हमारा गीजर एकदम बनकर तैयार है। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। टेस्ट करने के लिए मुझे सिंपल ये स्विच ऑन करना है और ऑन करते कुछ ही सेकंडों में ये पानी उबलने लगेगा, तो मैं इसको करता हूँ ऑन। देखिए दोस्तों आपको इस पानी से बुलबुले निकलते दिखाई दे रहे हैं। ये पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है और बहुत ही तेजी से गर्म हो रहा है। कुछ सेकंड इसको लगातार चलाने के बाद हम देखेंगे इस पानी को कि कितना गर्म हुआ है। तो कुछ करते हैं वेट। तो दोस्तों देखिए इस पानी से भाप निकलने लगी है, अर्थात धीरे धीरे उबलने लगा है। दोस्तों आपने देखा कि जैसे मैं इसका स्विच ऑन करता हूं, देखिए ये पानी उबलने लगा है। तो हम कर देते हैं इसका स्विच ऑफ और पहले निकालूंगा इस बोर्ड से इन तारों को और फिर निकाल लेते हैं गिलास से इन ब्लेड को। तो देखिए ये पानी दोस्तों बहुत गर्म है और ये हुआ है केवल कुछ ही सेकंडों में गर्म। तो इस तरह से हम अपना एक मिनी गीजर घर पर ही बना सकते हैं
और इसके उपयोग में बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो आप बहुत ही सावधानी से इसको करें, और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं सबसे पहले।